नीट पेपर लीक का बवाल देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष परीक्षा की गोपनीयता भंग होने को मुद्दा बनाकर सरकार पर लगातार हमलावर है, लेकिन मोदी सरकार ने इस मामले में अभी तक चुप्पी साध रखी है। हालांकि पेपर लीक पर विपक्ष का सड़क से सदन तक संग्राम जारी है, जिसके चलते प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की चिंगारी अब यूपी में भी सुलगने लगी है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ राजधानी लखनऊ में सड़कों पर उतर आए हैं। सपाई द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और नीट परीक्षा को रद्द करने की पुरजोर मांग की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले में अपनी किरकिरी कराने के बाद भी शांत नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से देश में पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। यूपी में भी पुलिस भर्ती समेत कई परीक्षाओं का पर्चा लीक हुआ, जिसके चलते लाखों नौजवानों का वर्दी पहनने का सपना टूट गया। इस पर विपक्ष के हो हल्ला करने पर सरकार ने परीक्षा रद्द की, लेकिन अभी तक योगी सरकार की ओर से दोबारा सिपाही भर्ती की तारीख तय नहीं की गई है। वहीं इस समय देश में मेडिकल परीक्षा नीट का पेपर लीक होने पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है। सरकार इस संग्राम में खुद को घिरता तो देख रही है, लेकिन सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं की है। सरकार नीट परीक्षा का पर्चा लीक होने की बात से पहले इनकार करती रही। ये तब था जब बिहार में पकड़े गए आरोपियों के बयान में लीक होने की बात सामने आई थी। बिहार पुलिस के इस खुलासे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पर्चा लीक नहीं होने वाले बयान ने मोदी सरकार की खूब किरकिरी भी कराई, लेकिन फिर भी मंत्री की इस हीला हवाली और लापरवाही पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई। अगर बात यूपी में नीट के पेपर लीक पर फूटी चिंगारी को लेकर करें, तो मंगलवार को राजधानी लखनऊ में नीट एग्जाम रद्द कर दोबारा कराने के लिए सपा छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। अपनी इस मांग के समर्थन में छात्र सभा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया। इस पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को पहले बातचीत कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब भीड़ ने पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल और बेहोश हो गए। इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। नौजवानों ने लड़ाई ले ली है, अब पेपर लीक नहीं होगा। अगर अब पेपर विधानसभा का घेराव। गौरतलब है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद से लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग देश भर में उठ रही है। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन भी नीट पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कराने के मद्देनजर ही किया गया है। यूपी ही नहीं, देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मोदी सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले। सरकार ऐसा नहीं कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। शायद सरकार को इस प्रकरण में अभी सुप्रीम अदालत के आदेश का इंतजार है, मगर इसके बावजूद भी विपक्ष पर जुबानी हमले करने में सत्ता पक्ष पीछे नहीं है। हालांकि विपक्ष भी सरकार को इस मामले में जमकर घिर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार शिक्षा मंत्री पर टस से मस होती दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।